मैं ये पूछी थी कि आपने वीजा लगने के लिए दे दिया पासपोर्ट? एक तो तुम्हारी सुई वीजे पे अटकी हुई है। तो और क्या करूं, वहीं जाकर आपसे बात करने का मौका मिलेगा, यहाँ तो मिनट मिनट पर छापे पड़ते रहते हैं। सुनो, इतने भी बुरे नहीं है मेरे घर वाले। क्या कहा है तुमने मिस्कीन को? मिंटो आपा, क्या हुआ? अल्लाह पाक की कसम, जो तूने बख्तों की पोतरी से शादी की बात की ना, तो मैंने तो जहर खा के अपनी जान ले ले। नहीं, अगर हादी से दोबारा बात की या उसकी तरफ देखा या उससे मिली तो ये सारी की सारी गोलियां खा जाऊंगी। मानी लेकर आया मिठाई भाई। अरे मिठाई तो मिस्कीन भाई को खानी चाहिए थी। खैर छोड़े, आप लड्डू खाए? बेवकूफ लड़की, जो मुंह में आ रहा है बोली जा रही हो। गुड न्यूज रूमी और मानी की है। मतलब कि मैं खाला बनने वाली हूँ। भरोसा तो करो मेरे ऊपर यार। इसी भरोसे के सारे तो पूरी जिंदगी अपनी दांव पे लगा दी है मैंने हादी। बेफिक्र रहो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। ये तो वक्त ही बताएगा हादी। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगी ना। मोहब्बत सीखने से थोड़ी आती है बुद्धू, ये तो खुद ब खुद उतरती है। तेरी मुझे थोड़ा टाइम देना प्लीज, मैं सीख जाऊंगी। सारी जिंदगी तो दे दी और क्या दूं? जान भी अपनी नाम तेरे कर दूं, खुशियों से आंचल तेरा मैं। आप यहाँ बैठे, मैं पूरे घर में ढूंढ रही थी आपको। मैंने ना आपके लिए खीर बनाई, आप मतलब मंगवाई है। कहनी थी तुझसे, सोचता हूँ मैं। मुझे नहीं आती भाई खीर बनाने, मैं क्या करूँ? तो नेट से चेक कर लेती ना। अच्छा, प्लीज खुदा का वास्ता है, रोना मत। अब मैं सोचता हूँ कुछ। आप आना बहुत बेइज्जती करेंगे, सबको फोन करके बताएंगे मीनू को कुछ नहीं आता। आइडिया, अब तुम चम्मच हिलाती रहना, मैं बाजार से जाके खीर ले आता हूँ। हाँ क्यों कर रहे हैं तुम्हारे भाई ऐसा मेरे साथ? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, ये सब लोग मेरे साथ क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या हुआ है? गुलाब और मिस्कीन भाई गए मेरा रिश्ता देखने। मैं तो कहती हूँ वहीं कर लो शादी, मोहब्बत मोहब्बत है तो कुछ नहीं पड़ा। और ये हादी भाई तो है ही एक नंबर के खड़ूस। मीनू तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है, मैं नहीं रह सकती उनके बगैर, प्लीज कुछ करो यार। बेबे नहीं मान रही, वो कह रही है जहर खा लूंगी, लेकिन हादी की शादी ना तुम्हारे साथ नहीं करेंगी। तेरा
तुम्हें पता था अपने भाई के इस चक्कर का? कौन सा चक्कर? सच सच बताओ मीनू, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कब से धूल झोंक रहे हैं दोनों हमारी आंखों में? 6 महीने। और तुम ये सब जानती थी? निकलो निकलो अभी इसी वक्त हमारे घर से और जाके रहो अपने महके। निकलो। अरे फाजी, ये क्या बदतमीजी है? इसी लायक है ये, इसे कहीं जाए अपने घर, मुझे नहीं जरूरत इसकी। तो धक्के देकर क्यों निकाल रहे हो उसको? आराम से भी ये बात हो सकती है ना। आपको क्यों चढ़ा है इसके साथ हमदर्दी का बुखार? फाजी, इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन तुमने कभी मिस्कीन को मेरे साथ इस किस्म की बदतमीजी करते हुए देखा है? आप भी ले लें अम्मा की तरह यू-टर्न। यू-टर्न की बात नहीं है, खवातीन से बात करने का एक तरीका होता है। मुझे मत सिखाएं ये तरीके, समझ आ गई आपको? मैंने तुमसे मिशी के प्रपोजल के बारे में बात करनी है, चलो अम्मा के कमरे में चलो। अरे मीनू कहाँ गई? चली गई होगी अपने घर। देखो फाजी, मानती हूँ हम सब खुश नहीं है इस रिश्ते से, लेकिन ये कोई इंसानों वाला तरीका नहीं है जो तुम अपना रहे हो। हाँ जी, इसमें जमा करो 50,000 और फिर डालो उसमें 35,236 और उसमें जमा करो 25,000, देखो कितने हो गए हैं? 2,03,425। अच्छा अच्छा, इसमें 3,35,000 रुपए भी डाल दें डिजाइनर लहंगे के। क्या? अब कौन सा लहंगा? बड़े अब्बा की पोती की फरमाइश वाला लहंगा, सारा दिन चाचा मार्केट में घूमता रहा, सबसे कम रेट में यही मिल रहा था। इतने में तो मैं तुम दोनों की शादियां निपटा दूं, दिमाग खराब हो गया क्या उसका? हाँ तो बड़े अब्बा से जाके बात करें, नताशा भाभी ने कहा वो यही लहंगा पहनेंगी। मैं मैसेज आया दिखा दूं? अरे मैं क्या करूंगा देख के, मैं अब्बा से जाके बात करता। ये क्या सीन है? कोई सीन नहीं है, मैंने नताशा भाभी के दिमाग में ये बात डाली है कि वो ये लहंगा पहन को मायरा खान लगेंगी। यार ये ना उल्टी आते हमारे गले में पड़ जाए। कुछ नहीं होता। हेलो बिंडी, बोलो। बोलने का क्या, रोने का नहीं का? क्या कहाँ हो तुम? मैं आ रहा हूँ अभी। क्या हुआ? पता नहीं रो रही है। चलो तुम उसको लेकर आओ, मैं मिशी से पूछता हूँ, जरूर उसके पागल भाई ने कोई हरकत की होगी। हादी, आई स्वेयर मुझे नहीं पता असल बात का। क्यों, तुम घर की बजाय मरीख पर रहती हो जो तुम्हें नहीं पता? प्लीज हादी, मैं पहले इतनी अपसेट हूँ, अब आप मुझसे इस तरह की बातें मत करें। मेरी बारात तैयार है पूरी की पूरी निकलने के लिए, मेरे से ज्यादा अपसेट होगी तुम? हादी, मैं जहर खा लूंगी अगर आप बारात लेकर गए लाहौर तो। फिक्र मत करो, मैंने भी कामों की जाके ना चलती ट्रेन से छलांग मार देनी है, लेकिन उस चूहिया के साथ शादी नहीं करनी। क्या, देखा है आपने उसे? हाँ, कोई 32,000 पिक्चर्स भेज दी उसने व्हाट्सएप पे। हादी आप फौरन ब्लॉक करें उसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे से बुरा भी कोई नहीं होगा अगर तुम्हारे भाई ने मीनू के साथ कुछ बुरा किया। मिशी, रूमी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मुझे बताओ मीनू और फाजी का कोई झगड़ा हुआ है? पता नहीं आपा। मुझे लग रहा है फाजी मुझसे कुछ छुपा रहा है। आपा, आपसे छुपा कर मरना थोड़ी है उन्हें। अच्छा ये क्या है? पिक्चर्स हैं। किसकी? उसी लड़के की जिसका प्रपोजल आया है। अच्छा रिश्ता है, सोच रही हूँ अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह कर दूँ फाजी के वलीमे के साथ। क्या आपा, अभी तक तो वो मुझे देखने भी नहीं आए हैं। कल आ रहे हैं वो तुम्हें देखने। पार्लर वालर चली जाना, फेशियल वेशियल करा लेना, ठीक है? मैं जाके अम्मा से पूछूं फाजी और मीनू के दरमियान चल क्या रहा है आखिर। इस किस्से से तुम्हारा क्या लेना देना है? सहूलत कार समझ रहे हैं मुझे वो। नहीं, ये पागल वागल हो गए हैं क्या? तुम पे गुस्सा किस बात का उतार रहे हैं? मिशी अभी की जाके ट्यूनिंग करे ना। मैं नहीं जाऊंगी अब उस घर में, बस। और तुम अगर गई भी तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा अपने न्यू क्रिकेट बैट से। पागल हो गए फाजी भैया तो। मुझे तो लगता है ये हनीमून के पैसे बचाने के चक्कर में सारी ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। उनके साथ हनीमून पे जाने से बेहतर है कि अपने पेपर्स की तैयारी करो जिनमें सप्ली आई है। तुम तो बकवास नहीं करो, मैं जा रही हूँ अंदर, कोई पूछे तो कह देना हादी भाई के निकाह के लिए आई हूँ। क्या कहा मेरे ना होने वाले साले ने? जाकर पूछिए अपनी ना होने वाली मिसेस से। वो तो कह रही है उसको किसी बात का इल्म ही नहीं है। यही तो मसला है उस घर में, किसी को किसी बात का इल्म ही नहीं होता, सब हवाओं में लड़ रहे होते हैं। हुआ क्या है, सच सच बताओ। जिस दिन आपका निकाह होगा ना, उसी दिन मेरी जिंदगी में सुकून आएगा। मेरे निकाह का तुमसे क्या लेना देना है?
आप तो बहुत ही नन्हे, आपको तो किसी बात का इल्म ही नहीं है। क्या भाषण देके गई? ऐसे फाजी भैया और इनका झगड़ा हो गया आपस में। हम में से कोई नहीं जाएगा उस फ्रॉडिये के निकाह पर। फ्रॉडिये ने किया क्या है? वो अपनी जाहिल बहन मुसल्लत कर दी मेरे सर पे, इससे बड़ा फ्रॉड क्या? ये गुल गुल ने खिलाया है हादी ने। नहीं मशवरा तो उनके फुआड़ शोहर ने दिया हुआ उनको। मानी भाई प्लीज चुप कर जाओ। अम्मा अभी फोन करके मना करें बड़े अब्बा को। पाजी भैया आपको मसला किससे है, मीनू से या हादी भैया से? ये कैसा सवाल हुआ? अम्मा इतनी बदतमीजी करके इसने मीनू को घर से बाहर निकाला है। अरे बिठल पागल थी क्या है? हाँ तो वो बदतमीजी करेगी तो मैं भी मुंह तोड़ जवाब दूंगा। हम बहनों ने आज तक ये हिम्मत नहीं की। सोचना भी मत। छोड़ गुल, ये बता कल आने वाले मेहमानों को क्या खिलाना है? मानी की बिरयानी केटरिंग सर्विस, पुलाव, जर्दा बिरयानी, हंसी खुशी गम हर मौके पे मानी की बिरयानी केटरिंग सर्विस। हमें मौका दें बाजी। मेहमानों के पेटों पर रहम करें, हमें रिश्ता बनाना है तोड़ना नहीं है। सरकार ये मैंने कल के लिए लिस्ट बनाई है, जरा इस पे नजर तो डालिएगा। इसमें चिकन शाशलिक अगर हो जाए तो थोड़ा आसरा हो जाएगा। तुम्हारे लिए मानी मैंने खास तौर पे खोता निहारी तैयार करवाई है, बहुत अच्छी लगेगी तुम्हें। मैं तेरे लिए एक काम करता हूँ, ऊंट के पाए ऑर्डर करता हूँ, ठीक है ना? चुप रह, चुप। मैं तो चुप बैठा हूँ, तू चुप हो जा। आराम से बात कर, आराम से, तमीज से बात कर, तमीज से, समझा? क्या तमीज से बात करूँ, आप तमीज से चुप हो जाइए, हो जाएंगे आप। ये टॉम एंड जेरी शो तो बंद करो। ओहो फाजी मुझे एक बात बताओ, ये सारा खाना तो हम सिर्फ मीनू से ही बनवा सकते हैं ना, उसको फौरन घर वापस लेकर आओ। वो सिर्फ बेवकूफ बना सकती है और कुछ नहीं। अरे सरकार मैं तो कहता हूँ आप और छोटी जरा मिलके हाथ पैर मार ले। मिस्कीन भाई आपको बिल्कुल रहम नहीं आता मुझ पे, डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है। क्यों मानी? हाँ बेड रेस्ट का कहा है उसने, ये भी कहा है कि बेड से बिल्कुल ना उतरे जब तक ये हो नहीं जाता। तो तुम बेड से क्यों उतरी? तुम एक काम करो कमरे में जाओ, एसी चलाओ, और वो सीरियल आने वाला है सही ना, ट्यून करो उसको सही ना। मैं आ रहा हूँ, ठीक है? ऊपर जाके बैठो, ऊपर जाके बैठो। निकलो अभी इसी वक्त हमारे घर से और जाके रहो अपने मैके, निकलो। अरे फाजी ये क्या बदतमीजी है? इसी लायक है ये, इसे कहीं जाए अपने घर, मुझे नहीं जरूरत इसकी। तो धक्के देकर क्यों निकाल रहे हो उसको, आराम से भी ये बात हो सकती है ना। आपको क्यों चढ़ा है इसके साथ हमदर्दी का बुखार? फाजी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन तुमने कभी मिस्कीन को मेरे साथ इस किस्म की बदतमीजी करते हुए देखा है? सिलाई कही है, इसे कहीं जाए अपने घर, मुझे नहीं जरूरत इसकी। पता था अपने भाई के इस चक्कर का? Thank you.
सारी दुनिया को मैं छोड़ आऊं। अपनी कहानी किसको सुनाऊं, नादानियां वो कैसे समझाऊं। कहते हैं मोहब्बतों में दिल टूट जाते हैं, साथ साथ चलते हैं फिर वही रूठ जाते हैं। बड़ा बनता फिरता है समझे क्या है तू, बोल क्या चाहता है क्या तेरी आरज़ू। परेशान क्यों लागे तू, यू हैरान क्यों लागे तू, परेशान क्यों लागे तू, यू हैरान क्यों लागे तू। जान भी अपनी नाम तेरे कर दूं, खुशियों से आंचल तेरा मैं भर दूं। बात जो मैंने कहनी थी तुझसे सोचती हूं मैं आज ही कह दूं। झूठी मूठी बातें करके मुझको सताते हो, खुद ही रूठ जाते हो, तुम खुद मान जाते हो। आप समझते क्या है अपने आप को? हाँ, मैं अपने आप को ना यहाँ से फवाद खान और यहाँ से हुमायूं सईद समझता हूँ। फवाद खान, हुमायूं सईद, मुझे तो ये लगता है आपके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। माशाल्लाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपको आता नहीं है खूबसूरत लड़कियों से किस तरह बात की जाती है? खूबसूरत लड़की किधर है, मुझे भी दिखाओ, कहाँ पर है? बड़े अरसे से बात ही नहीं हुई मेरी किसी खूबसूरत लड़की से। ये जो अभी आपने किया है ना, ये अच्छा नहीं किया आपने, पछताएंगे आप। मैं कोई नहीं पछताऊंगा और मैं जा रहा हूँ। जाएं जाएं, जिधर जाना है जाएं, लौट के मेरे पास ही आना होगा आपको। नहीं तो तुमने क्या किसी बंगाली बाबा के पास एडवांस रखवाया हुआ है या बयाना दिया हुआ है कि महबूब आपके कदमों में ही पड़ा रहेगा? पहले महबूब अपने कदमों पर तो खड़ा हो जाए। मिशी, मुझे हर्ट किया, इतना पर्सनल किस्म का अटैक किया, मेरी बेरोजगारी का ताने दिए मुझे। अगर आप पे ड्रोन अटैक भी हो जाए ना, तब भी आप पे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। मेरा ना दिमाग बिल्कुल घूम चुका है, तुम अभी जाओ अपने घर में जाके किसी और का सर खाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। जाओ आप बड़ी आई फूलन देवी। क्या क्या फूलन देवी? यार मेरे भाई मुझे माफ कर दे यार, चारों तरफ यहाँ पे कैमरे लगे हुए, हम यहाँ पे रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। चला जा मुश्ताक, चला जा। क्या मुश्ताक? वो तो तुम्हारा नाम मैंने अपने मोबाइल के अंदर जो है ना, वो मुश्ताक प्लम्बर के नाम से सेव किया हुआ है, ताकि हम पकड़े ना जा सके। मुश्ताक प्लम्बर? अब आप देखें, मैं अभी जाके आपका नाम अपने फोन में चेंज करती हूँ। मैम, मैं रखूंगी हाजरा, हाजरा पेडिक्योर वाली। बड़ा बोलते हैं ना आप, महबूब तुम्हारे कदमों में। चलो जाके देखता हूँ कद्दू सोया है कि नहीं। अब्बास, 4 लाख का लहंगा पसंद किया है नताशा ने? अरे वो तो 4.5 लाख वाले पर हाथ रख रही थी। मैंने उसे समझाया कि तुम्हारे ससुराल वालों की इतनी पसली नहीं है। वो फहमीदा कह रही थी कि मैचिंग ज्वेलरी भी हो और वो भी गोल्ड की। अरे भाई ये टशन तो होते हैं फिर। वैसे ताया अब्बा, आजकल इतना कुछ कौन करता है? बुरा मत मानना किश्वर, अब सारी शादियाँ मीनू और फाजी की तरह तो नहीं हो सकती। किंग लगे ना पिटखरी और रंग आए चौखा। लेकिन 3 दिन में इंतजाम कैसे होगा? अरे अपनी जेब ढीली कर, 3 घंटे में हो जाएगी सारी शॉपिंग, बस जिगरा होना चाहिए। पा देती ना पसूड़ी तुम लोगों की दूसरी माँ ने, हुन मजे करो। क्या हो गया बेबे, क्या हुआ? फरमाती हैं कि हमारी मिशी का भी निकाह है, हम बड़े बिजी हैं, इसलिए भाई हम नहीं जा सकते लाहौर के लिए, माजरत। वैसे इतना दूर का सोच के मुझे भी हॉल उठ रहा है। ठीक है फिर, कराओ बुकिंग शादी हाल की, मैं कुड़ी और उसके टब्बर को यहीं बुलाता हूँ। ऐसा हो जाए तो कितनी अच्छी बात है ना। बस ठीक है भाई, रौला मुकाओ,
उन सबको बोलो इधर ही आ जाए, इधर ही सारा काम कर लेते हैं। चलो फिर ठीक है, फिर उन आनिया जानिया देखो उन्हें सारे दी ए बेसिक सेवन लेकिन वो लहंगा वो वे चुप कर वे तू, हर वक्त तुझे अपनी पड़ जाती। लहंगे का पुत्र लहंगा हो गया महंगा। तुम साफ साफ इनकार करोगी उन गेस्ट के सामने जाकर? एक मिनट, तुम्हारा पागल भाई आ रहा है। बहन को भेजो अपनी। मुलाजिम नहीं हूं मैं तुम्हारा, खुद ही जाओ अंदर। अंधे हो गए हो क्या? तो आप देख ले, आजकल हवाओं से भी लड़ते फिर रहे हैं। शट अप। मैं क्या हो गया? पागल हो गया ये। अच्छा मैं स्टेडियम जा रहा हूँ, दुआ करना प्लीज। थैंक यू, आई लव यू भाई। रूमी खबरदार तुमने बेड से पाँव नीचे किए। कहा कि डेट आज सेट हो जाएगी, तुम कुछ घंटों के लिए आ जाना तकरीब में। अच्छा मुझे मिशी को देखना है, बाद में बात करते हैं, खुदा हाफिज। मिशी तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, गेस्ट आ चुके हैं। पापा मेरी तबीयत खराब हो रही है। तबीयत तो नहीं, नीयत खराब लग रही है मुझे। अच्छा आप जाए, मैं तैयार होके आती हूँ। एक सेकेंड, ये मनहूस ड्रेस चुना है तुमने, ये तो हरगिज नहीं पहनेंगी आप। एक और चलो चलो। सरकार मीनू भाभी कहाँ है? लोग दो बार पूछ चुके हैं उनका। फाजी लेने गया है उसे। अच्छा तो फाजी कब तक वापस आएगा? चंद घंटों में आता ही होगा, अमरीका थोड़ी गया, मेरा दिमाग मत चाटो। एक सेकेंड, ये फीका सा ड्रेस निकाला है? नहीं मैं निकालती हूँ। ये वाला कितना प्यारा है मिशी, ये वाला। अम मिस्कीन, मेरे सर पे क्यों खड़े हो? गेस्ट के पास जाओ। ठीक है सरकार, वहाँ खड़ा हो जाता हूँ। खड़े क्यों हो गए, बैठ जाना ना मिस्कीन, जाओ। अच्छा चलो शाबाश, ये पहनो। नहीं आपा ये बहुत भारी है। भारी है, इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए ना मिशी, क्या हो गया? चलो शाबाश जाओ, मैं तुम्हारा खुद मेकअप करूंगी। शाबाश चलो। तुम हर चीज को ना इतना सीरियसली क्यों ले लेती हो? सीरियस तो मैं काफी अरसे से हूं, बस आपने ही नोट करना अब शुरू किया। ये बताओ कि बुखार क्यों हो रहा है तुम्हें? बुखार में मोहब्बत कभी किसी से पूछ के होता है? मोहब्बत वैसे ना सोच समझ के करनी चाहिए। जो सोच समझ के की जाए उसे प्लानिंग कहते हैं, मोहब्बत नहीं। बाजी आपने शादी? पागल कीड़े ने काट लिया था मुझे। कितना मजा आता था ना, हम रोज पापड़ खाते थे और इमली भी खाते थे और साइकिल पर घूमने भी जाते थे। सच बताओ बहुत पछता रही हूँ मैं शादी करके। बाद में पछता लेना, अभी चलो घर, मिशी के ससुराल वाले आ रहे हैं घर पे। हाँ तो मुझे कौन से गार्ड ऑफ ऑनर पेश करना है उन्हें? मीनू फजूल बातें मत करो। कल क्यों निकाला था मुझे धक्के देकर? मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई थी तुमने? आप भी तो छुपाते हैं मुझसे बातें, आपने क्यों नहीं बताया? मीनू मैं कह रहा हूँ चलो मेरे साथ, वो लोग आने वाले हैं बस। मैं नहीं जाऊंगी, आप कुछ भी करते। देखो तुम आज ना गई ना साथ तो सारी जिंदगी नहीं लेकर जाऊंगा। सारी जिंदगी? मैं तो एक लम्हा नहीं रहना चाहती आपके साथ, जान छोड़े मेरी। देख लो बहुत बड़ी बात करी हो तुम। कहा ना किसी भी कीमत पर नहीं रहूंगी आपके साथ, जाएं आप यहां से। तनी क्या समझते हैं खुद को? और माने बड़े अब्बा के फजूल किस्म के फैसले। तुम ना चुप करके बैठ जाओ। नहीं मैं क्यों चुप करके बैठूं? मैं बेरोजगार आदमी हूं, मेरे गले में आप लोगों ने डाल देना एक दफा खर्चा करके, वो नताशा पटाखा जो भी उसका नाम है, मैं कहां से उठाऊंगा उसके शाहाना खर्चे।
ठीक तो कह रहा है बच्चा। तो कह दो ना पाजी से भाई हमारी इतनी पसली नहीं है कि हम 4 लाख का लहंगा खरीदे। 4,35,000 का? हाँ आप ही बात करें ना बड़े अब्बा से। अरे भाई मेरी तो सुनने को तैयार ही नहीं है और मेरी तो समझ से बाहर है कि इतने महंगे जोड़े की जरूरत क्या आखिर। तुम लोग मानो या ना मानो मेरी बात याद रखना कफैत, ये मीनू की शादी का बचाया हुआ सारा पैसा जो है ना ये अपनी निवासी पे लगाएंगे पाजी, देख लेना। खुदा के लिए बेबे इस मसले का कोई हल तो निकाले ना। एक हल तो है, उस जोड़े की कॉपी मिल सकती है 2 लाख में। 2 लाख रुपए की कॉपी यानी कि 2 नंबर माल। उफ़ल्ला, ऊपर से वो जो शादी हॉल का खर्चा है वो अलहदा डाल देंगे आपके ऊपर। अच्छा बेवकूफ बनाया है बड़े अब्बा ने आप सबको। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लो उन्होंने आपको सोचने के काबिल कहाँ छोड़ा है, ऊपर से उनका पूरा खानदान भी यहाँ पे आके रहना शुरू हो जाएगा। फिर उनका सुबह का नाश्ता अलहदा, लंच अलहदा, डिनर का खर्चा अलहदा, पंखे भी ज्यादा चलेंगे, बाहर बच्चों ने जाना होता है उसके छोटे मोटे खर्चे तो बढ़ जाएंगे ना। फिर पता नहीं मेरी समझ से तो बाहर है ये सब चीजें। तुझे क्या हुआ सुरमेदानी? वो फाजी भैया ने मारा है मीनू बाजी को। क्या क्या मारा है? इसकी ऐसी की तैसी, कहाँ है वो? शायद अपने घर चले गए। फल की बुआ आपकी पूरी फैमिली की बहुत तारीफ कर रही थी। भाई हमें आपकी रमेशा बहुत ही पसंद आई है। हमारी मिशी है ही बहुत प्यारी माशाल्लाह। तो फिर बस बिस्मिल्लाह करते हैं, हैं? अरे मेरा तो ख्याल है डायरेक्ट निकाह की डेट सेट कर लेते, इससे बेहतर क्या हो सकता है, क्यों अम्मा? हाँ मंगनी से तो बेहतर है निकाह। तो फिर इस जुम्मे को फाइनल करते हैं, क्या ख्याल है आपका? अरे माशाल्लाह बड़ा ही नेक ख्याल है, हमारी तरफ से तो फाइनल है। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। खाली मुंह मुबारक, मिठाई मंगवाओ ना। अरे हाँ मुंह तो मीठा करवाओ मिस्कीन। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं मिठाई लेके आता हूँ, आप लोग बैठे। बिजनेस के अलावा आपकी और कौन सी हॉबीज हैं? मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। हमारी मिशी को भी। घटिया इंसान, मिशी से मोहब्बत की सजा तो मेरी बहन को दोगे? हाथ क्यों उठाया तुमने मीनू पर? क्या बकवास बंद करो और चला जाया से। नहीं जाऊंगा, पहले बताओ कि मीनू पे हाथ क्यों उठाया तुमने? ये मीनू कौन है? मिसेज है इनकी जनाब की, निहायत घटिया और थर्ड क्लास का खानदान है ये। मैं तो कहता हूँ अभी भी वक्त है, निकल जाए इस पतली गली से। जबान संभाल के बात करो आज। मैं जबान संभाल लूंगा, पहले आप अपने भाई के हाथों को संभाले। अरे ये सब क्या हो रहा है भाई? और ये किस किस मोहब्बत की बात कर रहा है ये? ऐसे ही मुंह से निकल गया था सच मेरे, इग्नोर करो तुम बस। क्या मतलब मिस्किन भाई, आप बताइए ये सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं, ये असल में भाई बहन है ना, बस इतनी सी। हेलो बहन होगी तुम्हारी? एक मिनट रुको मिशी, इधर आओ और इनको बताओ कि तुम्हारा भाई सिर्फ फाजी है। हाथ छोड़ो सर, जाओ तुम। इनफ इज इनफ, चलिए अम्मी। अरे लेकिन आप हमारी बात तो सुन ले। आप हमें बात सुनाने के बजाय अपनी बहन के दिल की आवाज सुनिए। मिठाई लेके आ रहे हैं, परेशानी की क्या बात है? मिठाई आइए ये चले, मैं आपको बाहर तक छोड़ जाता हूं। मम्मी इसमें तो ऐसी बातें हो जाती है ना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। अरे मैं आपको बाहर तक छोड़ जाता हूं। क्या हो रहा है? अब आप की बात की गई गुर क्या हो गया है अम्मा? खबर बात की गई। अरे यहाँ सारी तैयारियां फिट हैं, बस तुम कल निकलो ट्रेन से, गज वज के करेंगे अपनी कुड़ी का ब्याह। आ खैर है पुत्र, तेरा मुंह क्यों पीला हो रहा है? बड़े बाप से एक बहुत जरूरी बात करनी है। खैर से है ना पुत्री? चले ना कमरे में, मैं आपको सब बताती हूँ। चलो करने हैं, वो कोई नमाज से आपात दे नहीं पाता दूसरी लोगों ने। क्यों मारा तुम्हें फाजी ने? हैं मुझे? सच सच बताओ मीनू, क्या क्या जुल्म करता रहा वो तुम पर? जुल्म? तुम्हें मेरी कसम मीनू, झूठ ना बोलना। देखो हम वो माई नहीं है जो अपनी बेटियों से ये कह के उन्हें रुखसत करेंगे, वहां जाके जूतियां खाती रहो। हाँ और हम वो माई भी नहीं है जो कहें कि जनाजा उठेगा उस घर से। एक्सक्यूज मी, कौन सा जनाजा, कौन सी जूतियां? अरे अम्मी रोना तो बंद करें आप। देखे ना भाभी, अभी भी पर्दा डाल रही है अपने शौहर के करतूतों पर। हाँ ये मशरकी औरतें कुछ भी हो जाए कभी भी अपने शौहर के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलेंगी। पढ़ते तो मुझे लगता है आप लोगों की ना अकलों पे पड़ चुके हैं। क्यों मारेंगे भाई फाजी मुझे, किसने बताया आपको? मिर्ची ने। मिर्ची की बच्ची की ना जबान काट के मैं सिक्का बना दूंगी। मिर्ची तुम क्या कहती बड़े अब्बाई कमरे में? कुछ नहीं। देखिए हम ना असल में बड़े खानदानी किस्म के लोग हैं। जी हाँ वो तो नजर आ रहा है ना।
देखें, दिल का मामला था इसलिए आपने बात दिल पे नहीं लेनी। तुम दोस्त आंटी को ना घर जाके अच्छी सी चाय पिलाना। ओ भाई, अपने फजूल मशवरे अपने पास रखो यार। चले अम्मी। हम तो लड़की भी अपने पास ही रखेंगे। ये मेरा भाई है, ये अभी क्रिकेट का मैच जीत के आ रहा है। वो जो अंदर T20 शुरू किया है ना, उसकी फिक्र करो। बेफिक्र है, वो फिक्स्ड है पहले से। अल्लाह हाफिज़। बॉस बड़े छक्के मार रहे थे आप तो। हाँ, पहले तो मैं छक्के छुड़ा के आया ना अपने ससुरालियों के। ये लाहौर वाली पार्टी को इनकार कर दिया। पहले तो ये कराची वालों की तबीयत मैंने साफ की ना, बहुत हाथ चल रहे थे वो फाजी के बच्चे के। इसका मतलब सही दंगल लगा होगा। ऐसा वैसा, चल अंदर चलते हैं। तुम कहाँ से आ रही हो? जहन्नुम से। सोच लो, इसी जहन्नुम में जलना पड़ेगा पूरी उम्र। वैसे बहुत गलत किया आपने आज, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वलीद, अपनी भाभी को बता दो कि इसके लिए तो मैं कटी पहाड़ी से भी छलांग मार सकता हूँ। बाकी हाँ हाँ हाँ, फिलहाल तो जाके अपने ससुरालियों को संभालें। फौजे लेके लाहौर स्टेशन पहुंच गई हैं। बेबे, ऐसी टिका टिका के रहो ना उनको, उनके पूरे खानदान वालों के कानों से धुएं निकल रहे होंगे अभी। मेरी तरह से भी दो चंडे रख के मारनी थी, उड़ के जाता मच्छर के लूनी में बख्तों का पोतरा। आपकी तरबियत का लिहाज कर दिया मैंने, वरना प्लान मेरा यही था। बेचारी तबीयत को, तरबियत की क्या इस फसाद की जड़ से पूछे, कब मारा फांसी ने मुझे? क्या मतलब? मारा नहीं, लेकिन हाथों पर किया था ना।